बर्नपुर यूनाइटेड क्लब द्वारा गत 28 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक बर्नपुर स्टेडियम में इस्को चैलेंज ट्रॉफी 2019 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आईएसपी के सीईओ श्री एवी कमलाकार उपस्थित थे। इनके अलावा ईडीएमएम श्री एस बासु, ईडी प्रोजेक्ट श्री केवी सुनील, कार्यकारी ईडी पीएनए श्री अनूप कुमार, सीजीएम एफएनए श्री राजेश अग्रवाल तथा अन्य सीजीएम उपस्थित थे। इस अवसर पर सीईओ श्री एवी कमलाकार तथा अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं सीईओ श्री एवी कमलाकार ने फुटबॉल को किक मारकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसको चैलेंज ट्रॉफी 2019 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसका पहला मैच मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब तथा पांडवा फुटबॉल एकेडमी के बीच खेला गया। वहीं गत 6 जनवरी को ट्रॉफी का फाइनल मैच आयोजित हुआ। इस मौके पर अतिथियों में ईडी वर्क श्री ए के सिंह, ईडीएमएम श्री एस बासु, ईडी प्रोजेक्ट श्री के बी सुनील, कार्यकारी ईडी पीएनए श्री अनूप कुमार, सीजीएम एफएनए श्री राजेश अग्रवाल तथा अन्य सीजीएम उपस्थित थे। फाइनल में पहुंची साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मुकाबला बीयूसी बर्नपुर के बीच हुआ। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर अधिकारियों ने उनका उत्साह बढ़ाया। फाइनल मैच में बीयूसी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बीयूसी की टीम ने 2-1 गोल कर मैच को जीतने के साथ ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मैच के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को ईडी वर्क श्री ए के सिंह ने ट्रॉफी प्रदान कर शुभकामनाएं दी। वहीं उप विजेता टीम को ईडीएमएम श्री एस बासु ने ट्रॉफी प्रदान किया। रेफरी तथा अन्य खिलाड़ियों को अधिकारियों ने पुरस्कृत किया।